हेलो एवरीवन, आज हम ब्रेकफास्ट में झटपट बनने वाला नाश्ता बनाएंगे और ये बहुत थोड़ी सी चीज़ों से फटाक से बन जाएगा। एक्चुअली क्या होता है मॉर्निंग में बच्चों को हम क्या हेल्दी नाश्ता दें, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कितना यम्मी दिख रहा है ना, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। चलिए इसके लिए हमने क्या किया है, पहले एक कप हम बेसन लेंगे और हाफ कप राइस फ्लोर लेंगे, ठीक है। तो पहले बेसन को हम एक बड़े से बर्तन में डालेंगे, एक कप बेसन, उसके बाद हाफ कप बेसन हम डालेंगे उसमें, और हम नमक भी एक छोटा चम्मच डालेंगे, पर नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। एक छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे हम उसमें, और थोड़ी सी मतलब 1/4 लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, और 1/4 अजवाइन भी हम इसमें डाल देंगे। और ये जो है अदरक मैंने कूट कर रखा था वो मैंने डाला है, आप अदरक ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मतलब जिंजर। और यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच दही भी डाल रही हूँ, पर आप दही स्किप भी कर सकते हैं, बट डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हम जो पानी है ना वो मतलब वो पानी का रेशियो वो देख के, क्योंकि हमें इसका ये बनाना है, तो हम इसे पानी जो है वो देख के अच्छी तरह डाल के यहाँ पे मिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि हमें इसे इंस्टेंट बनाना है तो इसे हमें मिक्स अच्छी तरह करना पड़ेगा। ये देखिए अभी ये थोड़ा थिक है तो हमें इसमें थोड़ा और पानी डालना होगा। ये हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे और वापस से चेक करेंगे ये इसका थिकनेस, और तब हम इसे बनाएंगे। ये देखिए ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है बनाने के लिए। चलिए अब हम पैन में करीब एक छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल, बट मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। आप एक बार मस्टर्ड ऑयल में बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनेगा, और मस्टर्ड ऑयल वैसे भी हेल्दी है। ये इस तरह से हम धीमी आंच पे मैंने यहाँ पे छोटा पैन यूज़ किया है, आप चाहे तो अदर पैन में भी बना सकते हैं। क्या होता है ना, बच्चों को इस तरह के छोटे छोटे अगर हम बना के देते हैं तो उन्हें दिखने में अच्छा दिखता है, तो उनका खाने का वो टेस्ट वो उन्हें मन करता है खाने के लिए। और इसे हम वापस से पलट के फिर वापस से 2-3 बूंद ऑयल उस पर डालेंगे इस तरह से। वाह देखिए कितना अच्छा हो रहा है ना, कितना अच्छा दिख रहा है। अब वापस से मैंने इसमें फिर एक छोटा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है, और धीमी आंच करके हम इस तरह से फैलाकर डालेंगे, और बीच में हम थोड़ा सा फ्लेम को फुल भी कर सकते हैं, पर जब हम इसे पैन में डालेंगे जब तब हमें फ्लेम को स्लो रखना है। और वापस से पलटने से पहले 2-3 बूंद उसमें वापस ऑयल ड्रॉप करके डालेंगे और इस तरह से पलट देंगे। ये झट से तैयार हो जाएगा मिनटों में। बच्चों को ब्रेकफास्ट में तो दे ही सकते हैं हम, उसे उन्हें लंच में भी दे सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, और ये किसी भी चटनी या सॉस के साथ हम खा सकते हैं। होप यू लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।